हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सोनी। सोनी फूड स्टाइल चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पनीर रेसिपी, जो बिल्कुल डेयरी जैसा पनीर हम बनाएंगे घर पर और बहुत ही कम सामान से, और बहुत ही जल्दी ये बनकर तैयार हो जाता है। और बिल्कुल जैसा हमें डेयरी में सॉफ्ट पनीर मिलता है, बिल्कुल ऐसा ही हम घर पर बनाएंगे। तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। पनीर बनाने के लिए यहाँ मैंने 1.5 लीटर दूध लिया है। ये बिल्कुल लो फैट मिल्क है, आप फुल फैट मिल्क भी ले सकते हैं, उससे और भी अच्छा बनेगा। इसको हम लगातार चम्मच से चलाते हुए हैं हमें इसे उबालना है, नहीं तो हमारा पनीर सॉफ्ट नहीं बनेगा। दूध में उबाल आने के बाद हम इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। चलिए, दूध में उबाल आ गया है, मैंने इसको गैस से नीचे उतार लिया है। अब हम इसमें 2 से 3 मिनट ऐसे ही चम्मच को चलाते रहेंगे, जिससे इसकी भाप निकल जाएगी, या आप आधा कप इसमें पानी भी मिला सकते हैं। इसमें तुरंत हमें नींबू का रस नहीं डालना, नहीं तो हमारा पनीर सॉफ्ट नहीं बनेगा। यहाँ मैंने 2 टेबलस्पून यानी कि 2 चम्मच मैंने यहाँ नींबू का रस लिया है, और नींबू की रस की जगह आप यहाँ सिरका भी ले सकते हैं, यानी कि जो वाइट विनेगर होता है वो भी ले सकते हैं, और आप टाटरी भी ले सकते हैं। और यहाँ मैंने जितना नींबू का रस लिया है सेम उसी क्वांटिटी का, यानी कि 2 चम्मच ही मैंने यहाँ पानी लिया है। अब पानी को हम नींबू के रस में मिक्स करके अच्छे से दूध में थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, जब तक कि दूध फट नहीं जाएगा तब तक हम नींबू का रस मिलाते रहेंगे। जैसे ही हमारा दूध फटेगा नींबू का रस मिलाना हम बंद कर देंगे। देखिए, दूध हमारा अच्छे से फट गया है। देखिए, बहुत ही सॉफ्ट पनीर बनकर हमारा तैयार होगा। अब मैंने यहाँ एक छलनी ले ली है, और उसमें हम कोई भी सूती कपड़ा आप ले लीजिए। अगर आपके पास मलमल का कपड़ा नहीं है तो आप रुमाल भी ले सकते हैं, वो सभी के घर में मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ रुमाल ले लिया है। अब मैं इसको अच्छे से छान लूँगी, पनीर को मैं पानी से अलग कर लूँगी। देखिए, ऐसे ही हम इसको अच्छे से छान लेंगे। डेढ़ लीटर दूध में करीब करीब हमारा 250 ग्राम यहाँ पनीर बनकर तैयार होगा। अगर आप फुल फैट मिल्क ले रहे हैं तो उसमें करीब करीब हमारा 350 ग्राम पनीर आराम से निकल जाएगा। तो अब हम इसको, मैंने अच्छे से इसको छान लिया है, अब मैं इसको ठंडे पानी से धो लूँगी। यहाँ नॉर्मल पानी भी ले सकते हैं, ठंडा पानी भी ले सकते हैं, उससे क्या है हमारा पनीर एकदम सॉफ्ट बनेगा और इसमें जो नींबू की खटास है वो भी अच्छे से निकल जाएगी। तो हम अच्छे से इसको 2 बार धो लेंगे। मैंने इसको धो लिया है, अब इसको चारों तरफ से ऐसे पकड़ के बिल्कुल अच्छे से हम निचोड़ लेंगे, थोड़ा सा हाथों से दबा दबा कर इसको निचोड़ लेंगे, इसका सारा मॉइस्चर निकाल लेंगे। ऐसे ही चलिए, इसका सारा पानी मैंने अलग कर लिया है। अब हम इसको निकाल कर एकदम सीधा कर लेंगे, ऐसे बिल्कुल दबा दबा के हम एक जैसा कर लेंगे। जब हम इसके पीस कट करेंगे तो ये आराम से कटेंगे, टेढ़े मेढ़े नहीं लगेंगे, बिल्कुल एक जैसे हमारे पीस कट कर तैयार होंगे। तो मैं इसको चारों तरफ से दबा दबा कर ऐसे इसका पूरा मॉइस्चर भी निकाल लूँगी, और इसको एकदम स्क्वायर शेप में, या आप जैसे भी जैसे आपके शेप पसंद हो आप उस शेप में इसको कर सकते हैं। मैंने इसको चारों तरफ से दबा दबा कर ऐसे एक जैसा कर लिया है, ऐसे बिल्कुल। अगर टेढ़ा मेढ़ा लगे तो आप हाथ से इसको एक जैसा कर सकते हैं। अब इस तरफ से दबाएंगे, इस तरफ से, चारों तरफ से हम इसको बिल्कुल स्क्वेयर शेप में कर देंगे, ऐसे। और इसका जितना भी मॉइस्चर है हम एक बार इसको अच्छे से हथेली से दबाकर निकाल लेंगे। अब इसको हम 5 से 6 घंटे के लिए किसी भारी चीज़ के नीचे दबाकर रख देंगे, जिससे ये बिल्कुल एक जैसा रहेगा और इसके पीस भी बिल्कुल आराम से कट जाएंगे। चलिए, इसको 5 से 6 घंटे के लिए रख देंगे। अब ये जो पानी हमारा बच गया है इसको हम फेंकेंगे नहीं, इसमें या तो आप आटा लगा सकते हैं या फिर हम इसमें कढ़ी में इस्तेमाल कर सकते हैं।
5 से 6 घंटे हो गए हैं, मैंने इसको निकाल लिया है। देखिए बिल्कुल एक जैसा हमारा पनीर बना है। देखिए मैं खोल लेती हूँ इसको। देखिए बिल्कुल अच्छे से शेप में हमारा पनीर बना है और बहुत ही अच्छा, बहुत ही सॉफ्ट हमारा पनीर बनकर तैयार हुआ है। देखिए बिल्कुल जैसा हमें डेयरी में सॉफ्ट पनीर मिलता है, ऐसा ही बिल्कुल सॉफ्ट पनीर बनकर हमारा तैयार हुआ है। देखिए मैं इसे कट करके दिखाती हूँ। कट करने से ही आपको पता चल रहा होगा ये कितना सॉफ्ट बना है। देखिए देखिए गाइस, सॉफ्ट पनीर बनाना बहुत ही आसान है, इसे हम घर पर ही तैयार कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।